यह है एसुस का नया स्मार्टफोन ज़ेनफोन मैक्स M2। इसमें स्नैपड्रैगन 632 ऑक्टोकोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। 4000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको इस हैंडसेट के खास फीचर्स के बारे में बताऊंगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है एसुस का नया स्मार्टफोन जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ये है एसुस ज़ेनफोन मैक्स M2। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। अब इस हैंडसेट का प्राइस क्या है ये मैंने वीडियो के टाइटल में बताया हुआ है। अब ये जो हैंडसेट है ये दो कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। सबसे पहले तो ये जो बॉक्स पैकिंग है इसे देख लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से इस हैंडसेट मतलब कि मैक्स M2 को पैक किया है। बहुत ही प्रीमियम किस्म की बॉक्स पैकिंग है। स्पेसिफिकेशंस आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे बॉक्स के ऊपर। चलिए इस बॉक्स को मैं खोल देता हूँ। तो अंदर आपको ये डब्बा मिलेगा, ये जो छोटा सा डिब्बा है इसे मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, इस डिब्बे के अंदर क्या क्या है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको यूज़र गाइड, वारंटी कार्ड, ये देखिए ये है वारंटी कार्ड, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है सिम ट्रे इजेक्ट पिन, और साथ में आपको एक सिलिकॉन केस भी मिलता है जिसका आप हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा बॉक्स के अंदर आपको ये हैंडसेट मिलेगा एसुस ज़ेनफोन मैक्स M2। इस प्रकार से इसे पैक किया गया है। ये लीजिए, हैंडसेट को मैंने निकाल दिया है। जो की स्पेसिफिकेशंस है ये जो प्लास्टिक लगा हुआ है इस पर दिया हुआ है। 4000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। स्नैपड्रैगन 632 ऑक्टाकोर पावर्ड है और इस प्रकार का दिखता है ये हैंडसेट। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो हैंडसेट है दो कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। चलिए देखते हैं कि बॉक्स में इसके अलावा और क्या क्या मिलता है। तो दो और चीज़ रह गई है। एक तो है ये डेटा केबल, ये USB टू माइक्रो USB डेटा केबल है, और जो अंतिम कंटेंट है बॉक्स के अंदर वो है ये ट्रैवल चार्जर 5 volts 2 amp का। ये देखिए, दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये है एसुस ज़ेनफोन मैक्स M2। ये एक और हैंडसेट है जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है जिसमें स्नैपड्रैगन 632 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। इस हैंडसेट की दूसरी बड़ी खासियत ये है कि इसमें 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है जो आपको तकरीबन 2 दिन का बैटरी लाइफ आसानी से दे देगी। इसका जो स्क्रीन है ये 6.3 इंचेस का है, HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और ये जो हैंडसेट है इस पर नॉच भी है। मेटल की बॉडी है, ये जो ब्लू कलर है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इसका जो वज़न है वो है 160 grams और थिकनेस है 7.7 mm, वो भी 4000 mAh की बैटरी के साथ में। ये देखिए, इस प्रकार का डिज़ाइन पैटर्न दिया हुआ है जो इस हैंडसेट को एक बहुत ही यूनिक लुक देता है। साइड से ये थोड़ा सा कर्व्ड है जिससे आपको बहुत ही बढ़िया ग्रिप मिल जाता है। ये है ब्लैक कलर वेरियंट। पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है, और ऊपर की तरफ है ऑडियो जैक। ये है ऑडियो जैक, ये है सेकेंडरी माइक्रोफोन। लेफ्ट हैंड साइड पर है सिम ट्रे, ये देखिए, और नीचे की तरफ है स्पीकर आउटवेंट, माइक्रो USB पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन। पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है और साथ में डुअल कैमरास है पीछे की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा, दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो ब्लू कलर है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है और देख सकते हैं कि इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट्स मिलते हैं, मतलब कि आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का एक साथ इस हैंडसेट पर उपयोग कर पाएंगे। यह हैंडसेट डुअल वोल्टेज सपोर्ट करता है और ये दो ऑप्शंस में अवेलेबल होगा, 3GB 32GB या फिर 4GB 64GB। इसमें स्टॉक एंड्रॉयड रन हो रहा है 8.1। सेंसर्स की अगर बात करें तो इसमें वो सारे सेंसर्स हैं जो आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन में मिलते हैं। जायरो सेंसर भी है, मैग्नेटिक सेंसर भी है, फिंगरप्रिंट सेंसर है पीछे की तरफ, और ये फेस अनलॉक भी सपोर्ट करता है। नॉच इस प्रकार का दिखता है। ओवरऑल इस हैंडसेट की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम किस्म का लगता है। इसमें 5 मैग्नेट स्पीकर्स हैं, और कैमरा की अगर बात करें तो जो रियर साइड है वहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरास मिलेंगे F1.8 अपर्चर के साथ में, और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है F2.0 अपर्चर के साथ में। बैटरी के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है। तो ये है एसुस का ज़ेनफोन मैक्स M2। इस हैंडसेट का पूरा रिव्यू मैं जल्द ही लेके आऊँगा, उससे आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि इस हैंडसेट का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। वैसे इसका जो प्राइस है वो तो आपने देख लिया है, टाइटल में मैंने वो बताया हुआ है। तो प्राइसिंग के हिसाब से और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपको ये हैंडसेट कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए, और देखते रहिए।